मुझको या नैना वाले चलो खून के आंसू बहाता है कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है उसे ज़ैनब का जब उसे ज़ैनब का जब बाजार जाना याद आता है कोई गैबत बैठा खून के आंसू बहाता है कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है उन्हीं गलियों में चल चल कर जहाँ चलती रही ज़ैनब उन्हीं गलियों में चल चल कर जहाँ चलती रही ज़ैनब निशा ज़ैनब के कदमों निशा ज़ैनब के कदमों के वो हाथों से मिटाता है कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है कोई गैबत में बैठा खून के आंसू ज़ुल्मो सितम की इंतहा है ये करबला है ये करबला है ज़ुल्मो सितम की इंतहा है ये करबला है ये करबला है करके दफन मासूम असगर शब्बीर रोए नन्ही कब्र पर करके दफन मासूम असगर शब्बीर रोए नन्ही कब्र पर असगर का खून से चेहरा मला है असगर का खून से चेहरा मला है ये करबला है ये करबला है जुल्मो सितम की इंतहा है ये करबला है ये करबला है जुल्मो सितम की इंतहा है ये करबला है ये करबला है गाजी नहीं है अकबर नहीं है कासिम नहीं है असगर नहीं है गाजी नहीं है अकबर नहीं है कासिम नहीं है असगर नहीं है और शाह काला शाह तन्हा परा है और शाह काला शाह तन्हा परा है ये करबला है ये करबला है ज़ुल्मो सितम की इंतहा है ये करबला है ये करबला है और मुझे तो बुला गाजी फरियाद सुनो मेरी एक बार मुझे भाई कह कर तो बुला गाजी बचपन में तेरा झूला झुलाया था हाथों को तेरे लेकर चलना भी सिखाया था अब इन हाथों से मैं किस तरह उठाऊंगा बिन बाजू ये लाश तेरी फरियाद सुनो मेरी एक बार मुझे भाई कह कर तो बुला गाजी
फरियाद सुनो मेरी एक बार मुझे भाई कह कर तो बुला तीरों के मुसल्ले पर सर को मैं कटाऊंगा क्या देख सकोगे तुम मैं क्यों मनवाऊंगा जख्मी मेरे सीने से हर खून के कतरे से आवाज आएगी फरियाद सुनो मेरी एक बार मुझे भाई कह कर तो बुला गाजी मुझे भी वतन ले चलो वतन जाने वालों मुझे भी वतन ले चलो मुझे भी वतन ले चलो मुझे भी वतन ले चलो मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर यहाँ है भला कौन मेरा मुझे भी वतन ले चलो मुझे भी वतन ले चलो रिहा हो के घर जाने वालों मुझे भी कहीं पर बिठा लो शहीदों के सर है जहां पर मुझे भी वहीं पर सुला दो मैं बाबा के सर से लिपट कर मैं बाबा के सर से लिपट कर सफर काट लूंगी ये सारा मुझे भी वतन ले चलो 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 ना यूं छोड़ कर जाओ अम्मा मुझे शामियों के सहारे यतीमी की मारी हुई को सताया बहुत जालिमों ने बहुत खौफ आता है मुझको बहुत खौफ आता है मुझको तुम्हें वास्ता सैयदा का मुझे भी वतन ले चलो मुझे भी वतन ले चलो मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर यहाँ है भला कौन मेरा मुझे भी वतन ले चलो
इंशाल्लाह रात ना 9 वगे शेख हनीफ ने आपने त्यापन मजलिस मजलिसे हुसैन में भागीदार बनाने कोशिश कर सो त्यापन इसका भाई गानी नो काफलो त्यापन हाजर था से अने इन्हें चाफरनो पन बीजो इंशाल्लाह रात ना 9 થી 10 વાગ્યા થી શરૂ થશે જુલુસ સૈયદ અમારનો જે જુલુસ તકરીબન 3:15 વાગે અંદર દાખલ થઈ શકે છે 10 મિનિટ માટે તમે કોશિશ કરજો જિંદગીમાં એક વખત જ્યારે જાહેરી ને મજલુમે કરબલાના સામે સાથે મળીને લબ્બેક યા હુસૈન लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन आ लब्बैक या हुसैन नी पुकार हजारों के बेहिसाब हूं नथी गणी सकतो एक फेराना साथे लब्बैक या हुसैन जागे मजलूमे करबला ना सामे इंशाल्लाह जुलूस मा पुकार तमे सांभळशो तो तमने एम थाशे के हूं आ जमीन मा आ दुनिया मा हूं नथी તમે કોશિશ કરજો તમારી હોવાની તાકતથી કે તમે એક બીજી દુનિયામાં છો તમને એવું સાંસસ્યો લાગશે ઇન્શાલ્લા એ રાતના 9-10 વાગ્યાથી એ જુલુસ ચાલુ થશે 3:15 વાગે દાખલ થઈ શકશો ઇન્શાલ્લા મઝલુમે કરબલા નજદીક અને ત્યારબાદ હઝરત અબ્બાસ અલી સર તે ઉપરાંત કાલે સવારના બીજો જુલુસ છે તેમાં પણ આપણે શરીક થઈ શકશો ઇન્શાલ્લા તે સવારના 9 વાગે છે ગનીફ ત્યાંથી ઉપડશે અને ઇન્શાલ્લાહ દેખી લ્યો 9 ને 7 કલાક એટલે લગભગ તકરીબન બપોરના 3 વાગે એ બીજો જુલુસ છે પણ ઇન્શાલ્લાહ ઇન્શાલ્લાહ અસમે કરબલા સામે ઉભો રહેશે અને 5 કે 10 મિનિટ સુધી બધા સાથે મળીને બુલન આવાજથી લબ્બેક યા હુસૈનનો પુકાર તમે ઇન્શાલ્લાહ સાંભળશો લબ્બેક યા હુસૈન લબ્બેક યા હુસૈન લબ્બેક યા હુસૈન હવે આપણા સમક્ષ શેખ સાહેબ પોતાની ટૂંકમાં હિદાયત અને મસાહેબ પેશ કરશે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર સલાવાત